कांग्रेस ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी है तो महंगाई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास महंगाई से जुड़े संकट का कोई समाधान नहीं है। खाद्य उत्पादों की कीमतों में मामूली कमी आने से खुदरा मुद्रास्फीति मई के महीने में एक साल के निचले स्तर 4.75% पर आ गई और यह भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में बनी रही। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में जनवरी से ही जारी गिरावट का सिलसिला मई में भी कायम रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69% रही, जो अप्रैल के 8.70% से थोड़ा ही कम है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी है तो महंगाई है। चार महीनों से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 8.5% से अधिक है। दालों की महंगाई दर पिछले एक वर्ष में लगातार दोहरे अंक में है, जो कि 10% से ज्यादा है। मई में कीमतें 17.14% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में हमने महंगाई और विशेष रूप से दालों की समस्या के समाधान के लिए दो उपाय करने का वादा किया था। हमने स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले द्वारा निर्धारित मूल्य के साथ दालों के लिए MSP की कानूनी गारंटी की बात की थी, क्योंकि इससे दालों की घरेलू खेती को बढ़ावा मिलेगा। रमेश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों को शामिल करने की बात कही गई थी, क्योंकि ऐसा करने से गरीबों के खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और उन्हें महंगाई से भी बचाया जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तिहाई प्रधानमंत्री के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं है।